हेलो गाइस, वेलकम टू द यूनिवर्सल मिस्ट्री टैरो 11-11। तो आपके पर्सन आपकी कितनी वैल्यू करते हैं, उनकी नज़रों में आपकी कितनी वैल्यू है, इसकी रीडिंग है। ये रीडिंग जनरल होगी डियर, कलेक्टिव होगी। जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही आपका है, बाकी चीज़ें छोड़ देंगे। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती है, टेक इट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। तो आपके पर्सन की नज़रों में आपकी क्या वैल्यू है, वो आपकी कितनी वैल्यू करते हैं, आपके पार्टनर की नज़रों में आपकी क्या वैल्यू है। तो प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, जो भी इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन की नज़रों में उनकी क्या वैल्यू है, उनके पार्टनर की नज़रों में उनकी वैल्यू क्या है, उनके पर्सन की नज़रों में उनकी वैल्यू क्या है। द लवर्स, क्योंकि तुम ही हो, बस तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी मेरा, दर्द भी मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। तो आपके पार्टनर की नज़रों में आपकी क्या वैल्यू है, प्लीज़ यूनिवर्स। हे यूनिवर्स प्लीज, तुम ही हो जिंदगी, बस तुम ही हो। तो आपके पर्सन की नज़रों में आपकी क्या वैल्यू है, प्लीज यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की नज़रों में मेरे व्यूवर्स की क्या वैल्यू है, क्या वैल्यू करते हैं मेरे व्यूवर्स की। तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। कहाँ गया कार, डेथ। तो मेरे व्यूवर्स के पर्सन की नज़रों में मेरे व्यूवर्स की क्या वैल्यू है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 9 of Swords, 10 of Cups। तो चलिए ये इधर ही रखते हैं। आपको सारे कार्ड्स दिखने ज़रूर चाहिए, क्योंकि आपके पसंद जेमिनी हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, सेजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। जहाँ जेमिनी स्ट्रांग है, एरीज स्ट्रांग है, स्कॉर्पियो स्ट्रांग है एंड सेजिटेरियस स्ट्रांग है। तो आपके पार्टनर की नज़रों में आपकी क्या वैल्यू है, डेफिनेटली आप उनके लवर हैं, लवर्स जो एक तुम ही है तो एक तुम ही हो। तो डेफिनेटली आप उनके लाइफ का विश फुलफिलमेंट हैं, और आप जैसा पार्टनर पाकर उन्होंने लाइफ टाइम जो फीलिंग्स फील की है, जो भी एक्सपीरियंस किया है इस प्यार में, वो आज से पहले कभी नहीं किया है। ये अपने लाइफ का सबसे ऐसा एक्सपीरियंस है जो भुलाए कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका। एक जन्मों का नहीं, कितने जन्मों का रिश्ता है ये। और ये जन्मों का जो रिश्ता होता है, बहुत पुल एंड पुश वाली होती है, ख़ासतौर से पुल वाली इतनी होती है, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है, जहाँ आप चाहकर भी ऐसे रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल सकते। और यही वो पर्सन फील करते हैं, आप उनके लवर्स हैं, आपके लिए लॉट्स ऑफ अट्रैक्शन, पैशन, डिज़ायर के साथ साथ प्यार भी बहुत फील करते हैं, क्योंकि आपके साथ वो इमोशनली कनेक्टेड हैं, स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं एंड डेफिनेटली फिजिकली भी कनेक्टेड हैं। तो इतना ज़्यादा वो प्यार करते हैं कि आपके जैसा प्यार तो वो किसी से भी नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, इस प्यार में कहीं ना कहीं अग्नि परीक्षा भी है, अग्नि परीक्षा है। और इस अग्नि परीक्षा में ऐसा है कि चाहे जियो चाहे मरो भाई, ऐसी सिचुएशन है, चाहे इस पार चाहे उस पार। और यही वो कठिन सिचुएशन है जहाँ आपके पार्टनर जो हैं, चाहकर भी वो आपको चुन नहीं पाएंगे या फिर चुन नहीं पा रहे हैं।
क्योंकि एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है, दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, एक डिसीजन मेकिंग है। अगर वो आपको चुनते हैं डियर, तो लाइफ के किसी मेजर चीज़ को खोएंगे, और अगर मेजर चीज़ों को चुनते हैं तो वो जीवन भर के लिए आपको खो देंगे। तो कस्म कस्म भरी ज़िंदगी है इनकी, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ऐसी ज़िंदगी है इनकी। अगर वो आपकी तरफ बोल्ड स्टेप लेंगे तो कहीं किसी और सिचुएशन, यानी अगर पेरेंट्स इन्वॉल्व है तो पेरेंट्स को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे, और अगर थर्ड पार्टी के रूप में करियर है इनका तो करियर खो देंगे। अगर कोई रोमांटिक पार्टनर मीन्स मैरिड इंसान है तो अपना मैरिज बच्चे खो देंगे। तो डिसीजन ऐसा लेना है जो लाइफ के इनके लिए एक सबक के जैसा ज़रूर होगा, चाहे वो आपको खोए तब एक सबक मिलेगा, और अगर दूसरे चीज़ों को खोए तो वो एक अलग है। तो कहीं ना कहीं एक डिसीजन मेकिंग के वजह से आपके जो पर्सन हैं वो स्टक फील करते हैं, लेंगे नज़र तो किधर ले, डिसीज़न ले तो किसके तरफ ले, और यही वजह है कि आपके पर्सन की स्लीपलेस नाइट भी बहुत है, स्लीपलेस नाइट है, नींद नहीं आती है, क्योंकि आप इनकी लाइफ का विश फुलफिलमेंट है, आपके बिना ये रह नहीं सकते हैं। आपके साथ ही ये फैमिली देखते हैं, आपके साथ ही अपना जीवन देखते हैं, आपके साथ ही फुलफिलमेंट देखते हैं, आपके साथ ही मैरिज देखते हैं। आप इनके लाइफ में वो पर्सन हो जो जैसा ये चाहते थे, आप उनके पार्टनर के रूप में 110% खड़े हो, लेकिन आप दोनों की जो सिचुएशन है वहाँ बहुत हार्डवर्क करना है, और ये हार्डवर्क करने के बावजूद भी आप दोनों मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, ये एक बड़ा सिचुएशनशिप हो सकता है आप लोगों की रिलेशनशिप में, क्योंकि आप लोगों का रिलेशनशिप कहीं ना कहीं डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन भी है। ये आपने नहीं, डिवाइन ने आपको मिलाया है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, एंड डेफिनेटली एक सोलमेट ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन है। 11-11 कार्ड है, तो आपके पार्टनर जो हैं आपके ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको ही प्यार करते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, आपसे ही मैरिज करना चाहते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, आपके ही बन के हमेशा जिएंगे मरेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप डेफिनेटली इनके लाइफ में स्टेबिलिटी हो, आप इनके लाइफ में मैरिज मटेरियल की जैसे आप इनके लाइफ में इनके सोल का पार्ट हो, हाफ पार्ट वो फील करते हैं, उनके दिल की धड़कन आप में धड़कती है, दिल इनका ज़रूर है लेकिन धड़कन जो है आपके पास है, और डेफिनेटली वो आपकी वैल्यू बहुत करते हैं, क्योंकि ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, स्पिरिचुअली वो आपसे कनेक्टेड हैं, डिवाइनली वो आपसे कनेक्टेड हैं, एंड जो फील करते हैं वो बता नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स वो आपकी तरफ फील करते हैं। आपकी वैल्यू एक रोमांटिक पार्टनर की है, डेफिनेटली उन्हें ऐसा लगता है कि आप में बहुत सारा रोमांस है, एंड आप उनके लाइफ में एक हीलिंग, आपने उनके लाइफ में हीलिंग लाया है। आप बहुत इंट्यूटिव हो सकते हैं, बहुत साइकिक हो सकते हैं, एंड बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पर्सन हो सकते हैं। इमोशनली आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और आप दोनों के कोड भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपको अगर ये पा लेते हैं तो ये अपने आप को विक्टोरियस ही फील करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पाकर भी ये बहुत ज़्यादा खुश हैं, प्राउड फील करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें डर ज़रूर है कि रिलेशनशिप एंड अप ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, डेथ एंड रीबर्थ, यानी आपकी सिचुएशन में ऑन ऑफ सिचुएशन हमेशा बनी रहती होगी, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है, लेकिन हाँ आपके पर्सन बॉसी ज़रूर हैं, ट्रेडिशनल ज़रूर हैं, लेकिन प्यार बहुत करते हैं, एक्सप्रेसिव नहीं है, एक्सप्रेसिव नहीं है ये, लेकिन प्यार बहुत करते हैं, और ये प्यार दिन प्रतिदिन जो है इनका बढ़ता ही जा रहा है। आपको
आपको लेकर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आपको पाकर ये बहुत खुद को बहुत चाइल्डिश फील करते हैं, खुद को बहुत रोमांटिक फील करते हैं, खुद को बहुत विक्टोरियस फील करते हैं। ये ऐसा इनको लगता है कि आप इनकी जो बहुत बस इनकी लाइफ सेटल हो गई, इनकी लाइफ क्लियर, और बहुत क्लियरिटी है आपके साथ रिलेशनशिप में, इनको बहुत क्लियरिटी है, क्लियर हैं ये कि आप द बेस्ट हो, आप द वन हो, और आपके साथ ही इनको अगर मैरिज करनी है तो आपके साथ ही करनी है, कमिटमेंट करना है तो आपके साथ ही करना, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कभी भी अपने फीलिंग्स को दूसरे के साथ शेयर कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जितना वो आपसे कनेक्टेड है, आपको एक फेरी के जैसा, फेरी टेल स्टोरी के जैसा, एक परी के जैसा, एक सिंड्रेला के जैसा फील करते हैं, एंड बहुत प्यार करते हैं। प्यार में कोई कमी नहीं है, एक्शन में कोई कमी नहीं है। अगर नो कांटेक्ट है, बहुत जल्द कांटेक्ट वो आपको करेंगे, बहुत जल्द वो आपकी तरफ आएंगे। और अगर आपके रिलेशनशिप में कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है तो बहुत जल्द वो आपको मैरिज का प्रपोज़ल भी देंगे, बहुत जल्द देंगे, क्योंकि ये आपकी तरफ फोकस्ड भी हैं, ये आपकी तरफ डिवोटेड भी हैं, और आपके सिवा इनको कोई चाहिए ही नहीं। आप द राइट पर्सन हो। आपको इन्होंने क्यों पसंद किया, क्यों वो आपकी वैल्यू करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि आप एक अच्छे रोमांटिक पार्टनर हो। आपने हमेशा इनका सपोर्ट किया है, आपने हमेशा इनका इंटेलेक्चुअल सपोर्ट हो या फिर इमोशनल सपोर्ट हो या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट हो या फिर एक स्पिरिचुअल सपोर्ट हो, आपने इस पर्सन को हमेशा सपोर्ट किया है। आपने इस पर्सन को हमेशा जो है एक न्यू वे दिखाया है जहाँ ये आगे बढ़ सके, और इस चीज़ को लेकर आपके पर्सन में बहुत ज़्यादा क्लियरिटी है, बहुत ज़्यादा क्लियरिटी है, और वो मानते हैं कि हाँ वो आपसे प्यार करते हैं, और इस प्यार की वैल्यू भी वो करते हैं, इस प्यार की वैल्यू भी वो करते हैं, और इस प्यार को लेकर आपके पर्सन सीरियस भी हैं। अगर आपके पार्टनर सिंगल हैं तो डेफिनेटली वो सीरियस हैं, अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं तो भी वो इस प्यार को लेकर सीरियस ही हैं। वो कभी भी आपको छोड़ेंगे तो नहीं, भले नाम ना दे सके लेकिन छोड़ेंगे तो नहीं, अगर आपके पार्टनर मैरिड भी है तो। अगर आपके पार्टनर सिंगल हैं तो मैरिज तो वो आप ही से करेंगे, कमिटमेंट तो वो आप ही से करेंगे, बच्चे भी वो आप ही से करेंगे। तो वैल्यू आप अपनी समझ सकते हैं कि आपकी वैल्यू क्या है। आपकी वैल्यू 4 ऑफ वैंड्स की है, आपकी वैल्यू एक रोमांटिक पार्टनर की है, आपकी वैल्यू एक विक्टोरियस, इस इंसान को बहुत प्राउड फील होता है कि आप इनके साथ हो, आप इनके पास हो, क्योंकि लॉट्स ऑफ वो हीलिंग फील करते हैं, चाहे वो हीलिंग किसी भी वे की हो। तकलीफ उनको यही होती है कि डिसीज़न वो क्या ले अगर फैमिली इन्वॉल्व है तो, लेकिन प्यार बहुत करते हैं। हार्डवर्क करना है तो वो हार्डवर्क भी करेंगे, हार्डवर्क भी करेंगे, क्योंकि आप इनके लाइफ का सनशाइन हैं। आपका रिलेशनशिप हिडन अभी हो सकता है, लेकिन फ्यूचर में आपके पर्सन डिसीज़न अगर लेते हैं तो आप दोनों का मैरिज कमिटमेंट ज़रूर होगा, ज़रूर होगा। अगर आपके पर्सन सिंगल हैं तो आपके साथ ट्रेडिशनल मैरिज ज़रूर करेंगे, लेकिन डिसीज़न, लाइफ के मेजर डिसीज़न लेकर ही आपसे ट्रेडिशनल मैरिज करेंगे, रिलेशनशिप को आगे लेके जाएंगे। और अगर आपकी पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं तो रिलेशनशिप में चॉइसेस आपके पास भी है, उनके पास भी है, फिर भी वो इस रिलेशनशिप में आगे कंटिन्यू ज़रूर करेंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है द राइट पर्सन रॉन्ग टाइमिंग। फिर भी इस रिलेशनशिप में जितना वो आगे बढ़ सकते हैं वो ज़रूर बढ़ेंगे, और इनडिसाइसिव ही रहेंगे अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं तो, इनडिसाइसिव ही रहेंगे। डिसीज़न वो किसी की तरफ नहीं लेंगे, ना आपकी तरफ लेंगे, ना सेकेंड सिचुएशन की तरफ लेंगे, लेकिन हाँ आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ज़रूर निभाएंगे, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ज़रूर निभाएंगे, एंड डेफिनेटली क्योंकि तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो, तो डेफिनेटली आप उनके लाइफ का विश फुलफिलमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो गाइस,
आपके पर्सन डेफिनेटली आपकी वैल्यू करते हैं, चाहे सिचुएशन आपकी जो भी है, कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट या फिर ब्रेकअप ही क्यों ना हो, ब्रेकअप ही क्यों ना हो, बहुत सारे लोग ब्रेकअप वीक में भी हो सकते हैं। आपके पर्सन चाहते हैं लीप ऑफ फेथ लेना, आपको जस्टिस देना, आपसे मैरिज करना, कमिटमेंट करना, और अनएक्सपेक्टेड ही करेंगे, जब भी करेंगे अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में आएंगे। बहुत सारे लोग ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, जहाँ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कोल्ड हार्टेड हो सकते हैं। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू।